करता हूं, देख क्या रहे हो, जाओ और इस दुष्ट असुर जालंधर का अंत कर दो। जालंधर, संजीवनी बूटी का प्रयोग करके मृत व्यक्ति को जीवित किया जा सकता है और ये बूटी द्रोण पर्वत पर मिलती है। देवगुरु, आप मुझे वो स्थान दिखाइए। सागर के अंदर तो अनेकों पर्वत है, वनस्पतियां भी है। अब मैं इनमें से द्रोण पर्वत को कैसे पहचानूंगा? पर्वतों को देखकर लगता है कि ये सब समुद्री पौधे हैं। पृथ्वी पर उगने वाले पौधे जैसा कोई पौधा दिखाई नहीं दे रहा है। पौधा कुछ अलग तरह का लग रहा है। इन्हें छूने से आभास होता है कि ये समुद्र की वनस्पति का हिस्सा नहीं है, तभी इनका रंग काला पड़ गया है। इसका अर्थ यही हुआ कि ये द्रोण पर्वत है। हे देवताओं, आप सबने मुझे जो दिव्य शक्तियाँ प्रदान की हैं, उन्हें प्रयोग करने का समय आ गया है। की जय हो प्रभु। जय हो जय बजरंगी, अंजनी के लाला सारे कपिकुल के उजियारे। जय हो श्री महाराज के शरी की आंखों के तारे। जय हो जय बजरंगी।
ही में है प्रभु। आप जय हो श्री महाराज केसरी की आंखों के तारे, जय हो जय बजरंगी, जय हो जय बजरंगी। देव गुरु, द्रोण पर्वत तो मिल गया, अब आप मुझे दिशा निर्देश दीजिए कि मैं इस पर्वत को कहां स्थापित करूं? प्रभु, विधाता ने द्रोण पर्वत का स्थान हिमालय क्षेत्र में निश्चित किया था, अतः आप इसे यहां से उत्तर दिशा में स्थित हिमालय क्षेत्र के उसी स्थान पर ले चलिए जहां से इसे उखाड़ा गया था। इसे वहीं पुनः स्थापित करना उचित होगा। ठीक है गुरुदेव। प्रभु, ये कार्य मात्र आप ही कर सकते थे। आपको शत शत नमन प्रभु, आपको शत शत नमन। संकट में तो नहीं? हे पवन देव, हे कुल देवता, मेरे मारुति की रक्षा करना, मेरे मारुति की रक्षा करना। शिव जी के ग्यारह वीर प्रावतार, जगमग हुआ तुमसे सारा संसार, ये द्रोण पर्वत अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियों और बहुमूल्य खनिज संपदाओं का स्वामी है। इसके जलमग्न होने से जगत की बड़ी हानि हुई थी, किंतु
इसकी पुनः स्थापना इस प्रकार होगी, इसकी तो किसी ने कल्पना तक ना की थी प्रभु, किसी ने कल्पना तक ना की थी। देव गुरु बृहस्पति जी, इसका श्रेय तो उन दिव्य शक्तियों को जाता है जो देवताओं ने मुझे प्रदान की थी। उन्हीं के बल पे मैं ये कार्य कर सका हूँ। अब मुझे शीघ्र ही वो संजीवनी बूटी दें, जिससे कि मेरे पिता का जीवन बचाया जा सके। अवश्य अवश्य, आइए। जी, संजीवनी बूटी इनमें से कौन सी है? प्रभु, वर्षों तक जल में डूबी रहने के कारण सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। वर्षों तक जल में डूबी रहने के कारण सारी जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। अब इनसे कोई लाभ नहीं होगा। प्रभु, कदाचित आगे हमें कुछ बूटियां मिल जाएं। आइए। हाँ देव गुरु, चलिए। प्रभु, मैं निराश हो गया हूं। इस पर्वत के समस्त जड़ी बूटियां नष्ट हो चुकी हैं। संजीवनी बूटी भी नष्ट हो चुकी है। संजीवनी बूटी भी नष्ट हो चुकी है। नष्ट हो चुकी है। ये देखिए प्रभु, ये संजीवनी बूटी का पौधा है। अब इसमें कोई जीवन शेष नहीं है। ये तो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है देवगुरु। कहीं और ये बूटी मिल सकती है क्या? नहीं प्रभु, ये बूटी केवल इसी पर्वत पर उगती है, किंतु अभी नष्ट हो चुकी है। ये बूटी केवल इसी पर्वत पर उगती है, किंतु अभी नष्ट हो चुकी है। किंतु अभी नष्ट हो चुकी है। किंतु देव गुरु, जब संजीवनी समुद्र में जलमग्न हो गई थी, तब देवताओं के जीवन की रक्षा के लिए आपने कुछ तो उपाय किया होगा।
किया था प्रभु। संजीवनी बूटी के नष्ट होने के उपरांत मैं और समस्त देवतागण अत्यंत उदास हो गए थे। एक दिन की बात है प्रभु, सभी देवगण मेरे पास आए। प्रणाम गुरुदेव। कल्याण। गुरुदेव, आप तो जानते ही हैं कि दैत्य और राक्षस महामायावी और अति बलवान होते हैं। कभी भी कोई भी असुर हम पे आक्रमण करके हमें समाप्त कर सकता है। गुरुदेव, संजीवनी बूटी ना होने के कारण हम देवताओं का जीवन सुरक्षित नहीं है, इसलिए कोई ऐसा उपाय कीजिए गुरुदेव कि हमारा जीवन बच सके। यदि आप भी कुछ ना कर पाए तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब चारों ओर उन असुरों का राज होगा। हम देवताओं का संहार करके वो तीनों लोगों में पापाचार और अधर्म का राज्य स्थापित कर लेंगे गुरुदेव। ऐसा कभी नहीं होगा। प्रणाम पिताजी। चिरंजीवी भव पुत्र। देवराज इंद्र और सभी देवताओं को देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का प्रणाम स्वीकार हो। आप सभी मेरे पिताजी के पास बड़ी आशाएं लेकर आए हैं और उनका पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं आप सभी की इन आशाओं को पूरा करूं। कच्छ, तुम हम देवताओं के गुरु के पुत्र होने के साथ साथ महातपस्वी भी हो, किंतु हम समझ नहीं पा रहे हैं कि तुम इस विषय में क्या कर सकते हो। देवराज, मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा। देवराज, मैं शुक्राचार्य से संजीवनी मंत्र विद्या लेकर आऊंगा, जिसके पश्चात आप सभी देवताओं के जीवन पर से संकट सदैव के लिए टल जाएगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें अपना जीवन संकट में डालने नहीं दूंगा। पिताजी, एक पुत्र का कर्तव्य होता है कि वो अपने पिता के कार्य को पूरा करे। मैं आपको और आप सभी देवताओं को वचन देता हूं कि मैं जैसे भी हो शुक्राचार्य से वो संजीवनी मंत्र विद्या अवश्य लेकर आऊंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं इस उद्देश्य में सफल होकर लौटूं। बस प्रभु, मेरा पुत्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए संजीवनी विद्या लेने क्या गया? वो कभी लौटकर वापस नहीं आया, कभी वापस नहीं आया। हाँ, इतना संतोष अवश्य है कि वो जहां भी है जीवित है, उसकी मृत्यु नहीं हुई है। मेरे इस संतप्त हृदय को सांत्वना देने के लिए एक दिन यमराज स्वयं आए थे। उन्होंने कहा कि अभी उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई है, अभी वो जीवित है, किंतु वो कहां है, किस हाल में है, ये किसी को ज्ञात नहीं है प्रभु, ये किसी को ज्ञात नहीं है। किंतु फिर देवों की सुरक्षा का क्या हुआ? हाँ प्रभु, उसके पश्चात देवों और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया और समुद्र मंथन होने से अमृत की प्राप्ति हुई। उसी अमृत को ग्रहण करके समस्त देवतागण अमर हो गए। देव गुरु, यदि किसी प्रकार से वो संजीवनी मंत्र विद्या प्राप्त हो जाए तो क्या मेरे पिता का जीवन बच सकता है? अवश्य प्रभु, अवश्य। संजीवनी मंत्र विद्या में वो शक्ति है जिससे मृत प्राणी भी जीवित हो सकता है। उससे आपके पिताश्री अवश्य स्वस्थ हो सकते हैं। तो ठीक है देवगुरु, मैं वो संजीवनी मंत्र विद्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य से प्राप्त करके अपने पिता का जीवन बचाऊंगा। किंतु प्रभु, इसमें तो बहुत संकट है। आप उसकी चिंता मत कीजिए देव गुरु, आप तो बस मुझे ये बताइए कि शुक्राचार्य कहाँ मिलेंगे।
शुक्राचार्य ने अपनी समस्त योगिक शक्तियां जालंधर को दे दी थी। जालंधर की मृत्यु होने के उपरांत अपनी उन योगिक शक्तियों को पुनः अर्जित करने के लिए वो सप्तगिरि पर्वत की गुफाओं में चले गए हैं और अभी वे वही साधना करते हैं। ये पर्वत श्रृंखला है कहाँ? दक्षिण दिशा की ओर विंध्याचल प्रदेश में। ठीक है देवगुरु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। शिवर, कच्छ ने आपके साथ छल किया और आपकी पुत्री ने उसे श्राप दिया, ये सब हुआ कैसे? जय